आइस एज। एक यंग कपल अभी अभी एक किराए के मकान में शिफ्ट होता है, जिसमें लड़के का नाम रॉब और लड़की का नाम गेल है। रॉब सारा सामान अकेले ही शिफ्ट कर लेता है। गेल उसको एक फ्रिज दिखाकर कहती है, देखो मकान मालिक शायद गलती से अपना फ्रिज यहीं छोड़ गया है। रॉब उसको देखकर गेल को बताता है, ये फ्रिज बहुत पुराना है, क्योंकि नए वालों में तो उसकी मोटर नीचे होती है, पर इसमें कुछ अलग ही सिस्टम लगा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी ये आज के समय के फ्रिजों से ज्यादा एडवांस है और इसकी एक बहुत उलझी हुई संरचना है। गेल को उसकी कोई बात समझ नहीं आती, पर फिर भी वो उसको हाँ कहती है और रॉब से ड्रिंक पीने के लिए पूछती है। रॉब हाँ बोलता है और फ्रिज में से बर्फ निकालने के लिए उसको खोलता है और देखता है कि पूरा डीप फ्रीज बर्फ से ठसाठस भरा हुआ है। रॉब जोर लगाकर उसमें से आइस ट्रे निकाल लेता है और उसमें से एक आइस क्यूब निकालकर अपनी ड्रिंक में डालता है और गेल के साथ उसे टोस्ट करके जैसे ही पीने वाला होता है, उसे गिलास में कुछ दिखाई पड़ता है। रॉब उस आइस क्यूब को गिलास से वापस निकालता है और जो चीज वो उस आइस क्यूब में दबी देखता है उस पर उसको यकीन ही नहीं होता। वो फिर उसे गेल को दिखाता है। गेल भी उसको देखकर चौंक जाती है और उसको कंफर्म करने के लिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आती है। असल में वो एक मैमथ था जो हिमयुग में पाए जाते थे, जो कि आज से करीब 10 से 15,000 वर्ष पहले ही समाप्त हो गए थे और उसका साइज देखकर वो बहुत हैरान थे, क्योंकि मैमथ आज के हाथियों से लगभग 10 गुना विशाल हुआ करते थे। और वो दोनों देखते हैं कि उसके भाले लगने से मौत हुई थी। तभी गेल को लगता है कि शायद फ्रिज में और भी ऐसा कुछ हो सकता है। फिर वो वहाँ से और बर्फ निकालती है, उसको वहाँ कुछ दिखाई देता है और रॉब को भी दिखाने के लिए बुलाती है। रॉब आकर देखता है उसके फ्रिज में 1400 सदी की एक प्राचीन सभ्यता है जो बहुत तेजी के साथ विकसित हो रही थी। गेल उसको देखकर कहता है, क्या ये जो हम देख रहे हैं वो सच है? क्योंकि मैमथ तो नवपाषाण काल में ही विलुप्त हो गए थे, जिसे नियोलिथिक पीरियड कहते हैं। फिर रॉब अब उस सूक्ष्म मैमथ को अपने गमले की मिट्टी में दबा देता है और वापस 10 मिनट के बाद अपना फ्रिज खोलता है। वो फिर चौंक जाता है, क्योंकि वो जगह अब विकसित होती होती 17वीं शताब्दी में आ गई थी। ये समय औद्योगिक क्रांति का था और वो जगह उसको वही दिखा रही थी। फिर उनके देखते देखते वो लोग बड़ी तेजी के साथ विकसित होते होते आज के समय में आ जाते हैं। अब वहाँ गगन चूमती इमारतें थीं, हवाई जहाज उड़ रहे थे। तभी रॉब फ्रिज के अंदर और नजदीक में झांक कर कुछ बनता हुआ देखता है। तभी अचानक से एक परमाणु बम वहाँ उसके मुंह के सामने उस मॉडर्न सिटी पर गिरता है और उसके ब्लास्ट से रॉब फ्रिज से दूर गिर जाता है। उस बम विस्फोट से उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। गेल उसकी ऐसी हालत देखकर उस पर मुस्कुराती है। अब वहाँ परमाणु युद्ध शुरू हो जाता है तो गेल फ्रिज को बंद करके कहती है कि ये लड़ाई अब इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, तब तक हम पिज्जा ऑर्डर करके खा लेते हैं। रॉब पिज्जा खाता हुआ गेल से कहता है, अब तो 1 घंटे से ऊपर हो गया है, शायद वहाँ फिर से सब कुछ वापस बनना शुरू हो गया हो। तभी गेल उसको समझाते हुए कहती है कि हमको अब मान लेना चाहिए कि अब वहाँ कुछ नहीं बचा होगा। रॉब ये सुनकर परेशान सा हो जाता है और वो फ्रिज खोल कर देखता है और दोनों नजारा देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग परमाणु बम के हमले से सरवाइव कर चुके थे और एक भविष्य का शहर अब उनकी आंखों के सामने बनता ही जा रहा था, जहां उड़ने वाली कारें थीं। अब वो शहर विकसित होता होता बहुत से पुलों से जुड़ा एक स्क्वायर का आकार ले लेता है, जहां उसके बीचों बीच सारी ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। अब वो पूरे शहर की ऊर्जा को अपने अंदर इकट्ठी करना शुरू कर देता है। अब वो इतना ताकतवर हो जाता है कि वो पूरे शहर को ही अपने अंदर खींच लेता है और एक गॉड पार्टिकल को जन्म देता है। फिर वो भी अपना आकार बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से उसमें से ऊर्जा की अनगिनत तरंगें निकलकर रॉब और गेल के सामने उनके पूरे कमरे में आतिशबाजी की तरह माहौल बना देती है, जिसे देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर वो सारी की सारी तरंगें वापस उस पार्टिकल में चली जाती हैं, जिसमें से वो आई थी, और वो पार्टिकल अपना आकार बढ़ाता है और एकदम से फुस हो जाता है। ये देखकर दोनों कुछ सेकंड्स के लिए जैसे फ्रीज हो जाते हैं। अब उस जगह अंधेरे के अलावा कुछ नहीं बचता तो रॉब गेल से पूछता है कि तुमको क्या लगता है, क्या वो फिर से आएंगे? गेल दुखी होकर कहती है कि अब सब खत्म हो गया है और अब उनका वापस आना नामुमकिन है। फिर रॉब उस फ्रिज का पावर ऑफ कर देता है। अगली सुबह उठकर दोनों कॉफी लेते हैं और गेल फ्रिज खोलकर देखती है। वहाँ बहुत कोहरा होता है। उस कोहरे के छटने के बाद वो दोनों देखते हैं वहाँ जुरासिक युग का समय चल रहा है, जब डायनासोर हुआ करते थे। अब वहाँ आदि मानव डायनासोर का शिकार करके उसको खा रहे हैं और डायनासोर उनका शिकार करके उन्हें खा रहे हैं और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।
आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।